हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ यू ऑल गाइज आर, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम टू माई चैनल जीनत सेजोन। वेल्स, आपसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको मेरी लास्ट वीडियो जो है वो किस तरह की लगी है। अब अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, बिकॉज योर फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप सजेशंस दिया करें, आप बताया करें कि किस तरह की वीडियोज़ हैं जो आप चैनल पर देखना चाहते हैं, कौन से ऐसे यू नो प्रॉब्लम्स हैं या इशूज़ हैं जिनको मुझे यू नो जिसके रेमेडीज़ और जिसके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और किस तरीके से मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। बिकॉज अगर आपका फीडबैक अच्छा होगा तो दैट वुड बी यू नो इनकरेजिंग फॉर मी, और मैं इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए लेकर आऊँगी। और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ वीडियो बनती है। इन रमदान इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक यू नो वीडियोज़ फॉर यू गाइज, लेकिन मैं बना रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज कि आप इसको एटलीस्ट शेयर कर दिया करें, और कीप सपोर्टिंग मी एंड यू नो कीप इनकरेजिंग मी। ओके, दैट्स इट। ओके, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही फैबुलस, एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, एंड दैट रेमेडी इज़ अबाउट हेयर फॉलिंग एंड हेयर रीग्रोथ। और ये एक बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन है जो मैं बनाऊंगी, और अगर आप उसको अप्लाई करेंगे उस जगह पर जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है हेयर फॉलिंग का, या जहाँ पर आप हेयर ग्रो करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अमेजिंग है। सबसे पहले एज यूजुअल वी वांट अ स्मॉल बॉल, और उस बॉल के अंदर मैंने ये अनियन है इसको यू नो ग्राइंड कर लिया हुआ है, इट्स ग्राउंडेड अनियन, और इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो हम यू नो निकाल लेंगे। और अनियन हैज़ नो अमेजिंग प्रॉपर्टीज इन इट कि जो आपको हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है, आप इस तरीके से यू नो ग्लव्स पहनकर और इसको यू नो स्क्वीज कर लें, इसका सारा जो है वाटर जूस, अनियन जूस जो भी है निकाल लें। ठीक है, इस तरीके से आपने सिंपली आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लेने के बाद आपने इस तरीके से इस जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ओके, सेकेंड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा वो है कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल वी ऑल नो कि हेयर को यू नो बालों को मज़बूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रॉम आवर चाइल्डहुड हम अपनी नानोज और दादोज से सुना करते थे कि कोकोनट ऑयल को ज़रूर लगाया करें, हमारी मदर्स को, अम्मियों को बताते होते थे वो लोग, और बहुत ज़्यादा यू नो इससे बाल जो है वो लंबे हुआ करते थे। स्कूल टाइम्स की बातें, जब हम बाल बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते थे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है बालों को ग्रो करने के लिए कोकोनट ऑयल। ठीक है, ओके, लास्ट और थर्ड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि हम इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे वो है विटामिन ई का ये कैप्सूल। और विटामिन ई का ये कैप्सूल हम पूरा एक इसके अंदर ऐड कर देंगे। और विटामिन ई ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग योर हेयर स्ट्रॉन्गर, एंड इट हेल्प्स टू रीग्रो योर हेयर। और हमने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को यू नो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और रिमेंबर इट कि जब भी हमने इसको अप्लाई करना है, हमने इसको फ्रेश बना लेना है उसी वक्त हमने अप्लाई करना है। ठीक है, पहले से बनाकर यू नो स्टोर कर लेने से आई हैव नो आइडिया कि ये कितनी देर तक स्टोर इसको रखा जा सकता है, इसलिए कि जब भी इसको बनाएं, फ्रेश बनाएं और इसको यूज़ कर लें। ओके, और वो ज़्यादा आपको यू नो बेनिफिट करेगा, ज़्यादा आपको यू नो रिजल्ट गिविंग होगा। ओके, जब आपने ये सोल्यूशन बना लेना है, देन यू हैव टू टेक अ कॉटन बॉल, और कॉटन बॉल की मदद से आपने अपने स्कैल्प में जहाँ पर हेयर फॉलिंग का इशू है, या जहाँ पर यू नो यू वांट टू ग्रो हेयर, वहाँ पर आपने इसको इस कॉटन के साथ अप्लाई करना है बहुत सॉफ्टली और बहुत ही जेंटली। आपने टैप टैप करके अच्छी तरह से सॉल्यूशन को अप्लाई करते जाना है। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे, चाहे वो आप स्कैल्प पे कर रहे हैं या बियर्ड एरिया पे कर रहे हैं, तो अगर आपकी स्किन पर यू नो टिंगलिंग है हो रही है, देन यू शुड बी हैप्पी कि ये टिंगलिंग अच्छी बात है, क्योंकि टिंगलिंग इज़ अ साइन कि आपकी स्किन के ऊपर या आपके उस एरिया के ऊपर जो है वो इज गोइंग टू गिव इफेक्ट, आप असर करेगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। द ओनली थिंग इज़ टू बी कंसिस्टेंट। ओके, और इसको आपने वीक में टू टू थ्री टाइम्स आप कर सकते हैं। आपने इसको रात में अपने बालों में अपने यू नो
हेयर में स्कैल्प में लगाकर, आपने रात में अपने स्कैल्प में लगाकर इसको सो जाना है, और नेक्स्ट मॉर्निंग में बेबी शैम्पूज जो होते हैं उसके साथ अपने बालों को, अपने स्कैल्प को शैम्पू करना है, धो लेना है, वॉश कर लेना है, और दैट्स इट। आप इसको करें एटलीस्ट 1 मंथ में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वेल, डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको किस तरह की लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।